हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर तरुण उर्मानी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, एमवीएन यूनिवर्सिटी पलवल। आज आप सब लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना जा रहा हूं जो बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर और डीफॉर्म सेकेंड ईयर में है। टॉपिक का नाम है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन अगर मैं बात करूं, हर इंसान प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानता है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन की सिर्फ डेफिनेशन जानता होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो आज हम जो उनसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उनको देख लें। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। Prescription is a written medical order given by the dentist, given by the physician, given by the surgeon, given by the registered medical practitioner, given by the veterinarian to the pharmacist for the patient. क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर एक पर्चा लिखता है। वो पर्चा जो होता है वो प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। उस पर्चे के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आज तक शायद हम इन बातों को नहीं जानते थे, लेकिन आज इस क्लास के अंदर आप सब लोगों को उसके बारे में भी डिटेल में पता लगने वाला है। आइए देखते हैं। ये है हमारे प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें सबसे ऊपर टॉप पे जब हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन को, तो उसमें हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है। तो हमने भी यहां पे हॉस्पिटल का नाम लिख दिया, एमवीएन हॉस्पिटल पल। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा या फिर नॉर्मल हो सकता है, हो सकता है नर्सिंग होम हो सकता है हॉस्पिटल हो सकता है क्लिनिक हो, जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे उसमें मेंशन होगा। सेकंड नंबर पे उसका लाइसेंस नंबर लिखा होगा और उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखा होगा। इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर रहती है वो रहता है नेम ऑफ द पेशेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। सेकंड नंबर पे एज, एज कितनी है पेशेंट की, वो भी लिखना बहुत जरूरी है। ये क्यों लिखना जरूरी है हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और एड्रेस क्या है पेशेंट का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डेट, कौन सी डेट को पेशेंट वहां पे आया है, और रिकॉर्ड मेंशन, रिकॉर्ड बनाने के लिए उनको रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं मेन पार्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन का, जहां से प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा सबसे ऊपर टॉप पे एक पार्ट लिखा जाता है जिसका नाम है आरएक्स। आरएक्स का अगर मैं बात करूं, पहले मैं एंशिएंट टाइम्स में जाता हूं। ये जो आरएक्स वर्ड था, इससे पहले ये वर्ड आरजे था। जे स्टैंड्स फॉर जुपिटर, जुपिटर मतलब गॉड ऑफ हीलिंग। तो जैसे हम अपना कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, तो सेम ऐसे ही जो पुराने जमाने में वैद्य थे, तो जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे या जो पुराने डॉक्टर थे जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे तो सबसे पहले जे लिखते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि ये सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि हम पहले जमाने में ये मानते थे कि अगर हमें कोई बीमारी हुई है तो कोई भूत प्रेत है या कोई ऊपरी साया है या कोई ऊपरी हवा है। लेकिन आज के टाइम में कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि साइंस ने बहुत डेवलपमेंट कर ली है, तो इसलिए हमने उन सारी चीजों को परे कर दिया, हम आ गए न्यू टेक्नोलॉजी पे। और जो वर्ड आरजे था वो रिप्लेस हो गया आरएक्स से। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो आरजे वर्ड था उसका मतलब जे स्टैंड्स फॉर जुपिटर, और जो अब नया वर्ड आया है वो है आरएक्स, जिसका मेन मतलब जो होता है लैटिन टर्म होती है रेसिप, और इसको हम बोलते हैं टेक दो, जिसका मीनिंग होता है यू टेक। और ये प्रिस्क्रिप्शन का सबसे टॉप पार्ट है, विच इज नोन एज सुपरस्क्रिप्शन। देखिए यहां पे मैं फिर से इसको बता रहा हूं, सुपर स्क्रिप्शन, ये इसका मेन पार्ट होता है। सेकंड पार्ट पे अगर मैं बात करूं, तो सेकंड पार्ट जहां पे डॉक्टर दवाइयां लिखता है वो होता है इंस्क्रिप्शन। देखिए यहां पे एक प्रिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है पॉम्बिफ्लेम जेंटेक, यहां पे उसकी मैंने स्ट्रेंथ भी लिखी है 500 mg, ये 150 mg। तो ये हार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अगर दवाइयां ही नहीं लिखी होंगी तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन का क्या फायदा। तो मैं बता रहा हूं आपको फिर से कि प्रिस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब हार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, जहां पे फिजिशियन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं। थर्ड नंबर पे डिस्पेंस मेडिकेशन फॉर द 7 days। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन इंस्ट्रक्शन है फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगी फिजिशियन से कि आपको 7 दिन के लिए ये दवाइयां बनानी है। तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर खाली फार्मासिस्ट के लिए ही इंस्ट्रक्शन नहीं होती, पेशेंट के लिए भी इंस्ट्रक्शन होती है। तो अगला स्टेप हम बढ़ाते हैं, तो यहां पे देखिए एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, टू बी टेकन अलोंग विद मिल्क 3 times in a day। इस दवाई को आपको दूध के साथ लेना है और दिन में 3 बार लेना है। तो ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए हुई, ये इंस्ट्रक्शन होती है पेशेंट के लिए। लिखता कौन है, फिजिशियन लिखता है। इन केस अगर फिजिशियन लिखना भूल जाए तो इट्स अ रोल एंड ड्यूटी ऑफ अ फार्मासिस्ट कि वो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट उसके बाद डॉक्टर आपको बुलाएगा कि आपको 7 दिन के बाद आके एक बार फिर से चेकअप करवाना है। तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है रीफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और एंड में जो प्रिस्क्राइबर होता है प्रिस्क्राइबर के साइन हो जाते हैं, सिग्नेचर हो जाता है, और पूरा का पूरा आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो वहां से रिलीज होके फार्मासिस्ट के पास चली जाती है। फार्मासिस्ट उसको पूरा डिस्पेंस कर देता है और सारी की सारी आप फिर दवाइयां लेके घर पहुंच जाते हैं। तो ये था प्रिस्क्रिप्शन का इंट्रोडक्शन। आइए अब मैं बात करता हूं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, हैंडलिंग कैसे करनी है, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट, ये तो रही एज अ पेशेंट की बात, क्योंकि अब हम बात करेंगे एज अ फार्मासिस्ट हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, क्योंकि जिसके ऊपर फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टिकी है। तो सबसे पहला पार्ट आता है रिसीविंग। अगर
कोई भी पेशेंट जब भी मेडिकल स्टोर पे जाता है तो वहां पे उसको फार्मासिस्ट जरूर मिलना चाहिए, और जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिसीव होनी चाहिए फार्मासिस्ट के द्वारा ही, तो इट शुड बी रिसीव्ड बाय अ फार्मासिस्ट ओनली। सेकंड नंबर पे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि कोई मिस्टेक है या कोई एरर है, तो आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है इन केस ऑफ एनी सरप्राइज चेंज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो चेंज हुए तो वो एक एम्बिग्यूटी वाली सिचुएशन आ जाएगी, डाउट वाली सिचुएशन आ जाएगी कि हो सकता है डॉक्टर ने कुछ गलत लिखा हो, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, तो यू शुड हैव टू कॉन्टैक्ट फिजिशियन इन केस ऑफ एनी एरर। खुद से आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द फिजिशियन। तो सबसे पहला पार्ट आ गया रिसीविंग का, सेकेंड नंबर पर पार्ट आता है रीडिंग एंड चेकिंग, क्योंकि जब प्रिस्क्रिप्शन रिसीव कर रहा है फार्मासिस्ट तो उसको अच्छे तरीके से भी पढ़ना है, इट शुड बी वेल स्क्रीन बाय फार्मासिस्ट। क्योंकि स्क्रीनिंग करने से क्या होगा, आपको यह पता लग जाएगा कि आपके पास मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर इनकेस कोई आपके पास कमी है तो आप बता सकते हैं कि ये मेडिसिन मेरे पास नहीं मिलेगी, या फिर कोई एरर होगा तो वो भी आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ऑथेंटिकेशन से मतलब मेरा ये है कि वो नर्सिंग होम से आई है, वो मेडिकल स्टोर, वो हॉस्पिटल से आई है, या फिर वो एक क्लिनिक से आई है। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन किसी प्रिस्क्रिप्शन का आप कम मानेंगे उस पर साइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि यहां लास्ट पार्ट मैंने बताया था नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, तो ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, इसको देखना बड़ा जरूरी है। और लास्ट कोई गेस वर्क यूज नहीं करना, क्योंकि डॉक्टर फेमस है अपनी अच्छी हैंडराइटिंग के लिए, तो अगर इन केस अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आपको कोई गेस वर्क यूज नहीं करना, क्योंकि वो एक एरर का कारण बन सकता है हमारी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल्स, क्योंकि अब यहां पे हमने स्क्रीन कर चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं, अब हमारा काम है उसे डिस्पेंस करने का। डिस्पेंस करने के लिए सबसे पहले जहां जहां पे भी मटेरियल हमारा रखा हुआ है जिस भी शेल्फ पे, तो वो सारा का सारा मटेरियल हमें कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद उसमें से सारा सामान निकालना है, और निकालने के बाद हमें उसे वापस रख देना है। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग लेबलिंग एंड पैकेजिंग। क्या पॉइंट है? कंपाउंडिंग लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो इसके अंदर आप देखें कि वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट वन टाइम ओनली। अगर आपकी दुकान पे तीन फार्मासिस्ट हैं तो वो तीन फार्मासिस्ट तीन प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन एक फार्मासिस्ट तीन प्रिस्क्रिप्शन के साथ काम ना करे, क्योंकि चांसेस है मिक्सिंग होने के। सेकंड नंबर पे ऑल इंग्रेडिएंट मस्ट बी कलेक्टेड इन अ क्लीन टेबल। आपको वहां पे टेबल क्लीन रखनी है, क्योंकि सोर्स हो सकता है कंटामिनेशन का, वो भी बन सकता है। नेक्स्ट नंबर पे ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड शुड बी ड्राइड एंड क्लीन। तो जितना भी मटेरियल है आपकी टेबल भी आप जहां पे रख रहे हैं तो वो भी अच्छे तरीके से सैनिटाइज होनी चाहिए, और अच्छे तरीके से ड्राई और क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑल प्रिपरेशन शुड बी लेबल्ड एंड पैक्ड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फिजिशियन। क्योंकि यहां पे आपको कुछ भी अपना काम नहीं करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन फिजिशियन ने दे रखी है उसको अच्छे तरीके से लागू करें, उसकी अच्छे तरीके से पालन करें। इन केस अगर आपको लग रहा है कोई एरर है तो उसको आप जरूर डॉक्टर से रेक्टिफाई करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपका डॉक्टर का कंसेंट होना बड़ा जरूरी है। तो हैंडलिंग के अंदर मेनली जो चार पार्ट है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले रिसीविंग, सेकेंड नंबर पर रीडिंग एंड चेकिंग, थर्ड नंबर पे कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल, एंड फोर्थ नंबर पे कंपाउंडिंग लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो आई होप आप लोगों को यह भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब हम प्रिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, हम बीच में बोल रहे थे कि कोई गेस वर्क नहीं होना चाहिए, इसका मतलब चांसेस भी रहते हैं कि कोई एरर भी हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन के। तो ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिससे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एरर हो सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एब्रीविएशन। किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अगर दवाइयों की कोई शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है तो आप उसको अवॉइड करें, एज अ फार्मासिस्ट ऐसी प्रिपरेशन को आप डिस्पेंस ना करें। सबसे पहले आप क्लियर करें डॉक्टर से कि उसके अंदर कोई भी शॉर्ट फॉर्म ना लिखी हो, क्योंकि ये एक एरर बन सकता है। सेकंड, नेम ऑफ ड्रग। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके नाम सुनने में और देखने में एक जैसे लगते हैं, जैसे एग्जाम्पल है एलिथ्रोसिन, इलेक्ट्रोक्सिन, एसिडिन और एपिडिन। ये दो ऐसी चीजें हैं जो वहां पे आपकी सेम की सेम लगती है। नेक्स्ट नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन। स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, लाइक इन केस ऑफ अडल्ट चाइल्ड और एल्डरली पेशेंट। क्योंकि यहां की अगर मैं बात करता हूं, जो हमारा अडल्ट है उसको हायर डोज चाहिए, जो चाइल्ड है उसको कम डोज चाहिए, सेम एल्डरली है जो उसको भी कम डोज चाहिए। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन जरूर मेंशन हो। नेक्स्ट नंबर पर डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब, कि वहां पर डोसेज फॉर्म लिखा है क्या नहीं लिखा, क्योंकि आपने पैरासिटामोल लिख दिया, पैरासिटामोल की टैबलेट भी आती है, पैरासिटामोल का सिरप भी आता है, तो आपने क्या चीज मेंशन करनी है वो अगर नहीं हो रखी तो एरर के चांस बन सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे डोजिंग फ्रीक्वेंसी, ये टैबलेट दिन में एक बार लेनी है, जैसे यहां पे आप देखें यहां पे 3 times इन अ डे लिखा था, तो ये टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, 1 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर मेंशन जरूर होना चाहिए।
नेक्स्ट नंबर पर इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। यहां पे जैसे प्रिस्क्रिप्शन में देखा था आपने, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कि ये दवाई आपको दूध के साथ लेनी है, ये दवाई आपको दिन में कौन सी बार लेनी है, कितनी बार लेनी है, ये सारी के सारी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आपको उसको ओरली लेना है, सबक्यूटेनियस लेना है, या फिर आपको बाय इंजेक्शन लेना है, तो वो रूट भी मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इनकंपैटिबिलिटी। आपको ये भी चेक करना है एज अ फिजिशियन और एज अ फार्मासिस्ट कि आपको, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद द मिल्क। अगर ऐसा होगा तो चांसेस आर देयर ऑफ इनकंपैटिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको तीन चीजें डिस्कस की। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर उसको हैंडल कैसे किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट क्या होता है, और उसके अंदर एरर कौन कौन से आते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। इनकेस अगर नहीं आई तो आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप कमेंट लिख सकते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट क्लियर करना हो।